पूरे प्रदेश के अंदर 67 में से केवल एक सीट रादौर की एक झुंझुना के रूप में पकड़ाई गई है। लेकिन हमारा समाज इससे खुश नहीं है कि हमारे समाज को भी अपने अनुपात के हिसाब से जितना हम कार्य करते हैं उससे अधिक, जितना देना चाहिए उससे अधिक देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी अनसुनी इस चुनाव में भी लग रही है होगी, और बाकी जो सीटें बची हैं उसमें भी हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। धमाका होगा या और भी बड़ा धमाका होगा वो 25 सितंबर को पता लगेगा, और उसी दिन सारा फैसला हो जाएगा 5 अक्टूबर को। हरियाणा में भाजपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट क्या जारी की। पार्टी में बगावत के सुर ऐसे फूटे कि थमने का नाम नहीं ले रहे। कहीं नेता भरे मंच पर रो रहे हैं तो कहीं मुख्यमंत्री तक के हाथ झटक रहे हैं, और कहीं खुल्लम खुल्ला बगावत की चेतावनी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज भिवानी में पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और टिकटों में राजपूत समाज की अनदेखी का आरोप लगाकर भाजपा आलाकमान को आंख दिखा दी। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा भाजपा को 75% वोट दिए हैं, मगर लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में भी समाज की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 67 उम्मीदवारों में से सिर्फ रादौर की सीट पर हमारे समाज के नेता को टिकट दी गई है, इसलिए उनकी मांग के साथ चेतावनी है कि भाजपा अपने घोषित उम्मीदवारों पर पुनर्विचार करे। पूरे प्रदेश के अंदर 67 में से केवल एक सीट रादौर की एक झुंझुना के रूप में पकड़ाई गई है, कि वहाँ से कोई जीत निश्चित नहीं है, लेकिन टिकट मिली है तो समाज एक गिनती में गिनता है कि एक टिकट मिली है। 6-7 हज़ार राजपूतों की विधानसभा है, बाकी अदर दम बहुत हैं। वो तो एक हवा थी कि हमारे समाज को मिला रहा, हम चाहते हैं कि जो एक मिली है वो भी समाज वहाँ पर जीते, क्योंकि 36 बिरादरी को साथ लेकर हमारा समाज चलता है, तो वहाँ 36 बिरादरी है असल में रादौर में, तो एक जीत हुई उसका भी बड़ा मैं जीत मानता हूँ, और अब भी वह जीत हो सकती है। लेकिन हमारा समाज इससे खुश नहीं है कि हमारे समाज को भी अपने अनुपात के हिसाब से जितना हम कार्य करते हैं उससे अधिक, जितना देना चाहिए उससे अधिक देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी अनसुनी इस चुनाव में भी लग रही है होगी, और बाकी जो सीटें बची हैं उसमें भी हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। और हम एक बात सोचते हैं समाज की चारों तरफ से, क्योंकि मैं प्रदेश के अंदर सबसे सीनियर पद मेरे पास राजपूत में समाज में रहा है। पिछले दिनों मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था और फिर कार्यकारिणी में भी था, अब भी समाज के हिसाब से भी मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सीनियर उपाध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का उस नाते से भी, और ठाकुर वीर सिंह फाउंडेशन का चेयरमैन भी हूँ। हमारे भी बहुत से साथी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर फॉलोअर्स हैं, हमारे साथी भी हैं, क्षत्रिय महासभा के भी बहुत लोग हैं, चारों तरफ से फोन आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें इस पे आप हमें बताओ, आप हमारे समाज के अग्रणी हो, हमारे समाज के बीजेपी में एक आपका स्थान है, सीनियर नेता हो, तो आप अपने नेताओं से बात रखें कि हम क्या ऐसे ही वोट देते रहें या हम कोई रास्ता और अपनाएं, नोटा में जाएं या फिर चुनाव का बहिष्कार करें और या फिर किसी और पार्टी को वोट दें। तो हमने आज प्रेस वार्ता इसीलिए बुलाई है, ये शीर्ष नेतृत्व है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा के हमारे श्रीमान संगठन महामंत्री हैं, और हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो पार्टी अध्यक्ष हैं हमारे नड्डा जी और मोदी जी हैं, सर्वेश्वर अमित शाह जी हैं, और सभी शीर्ष नेता राजनाथ जी हैं। तो उनसे हमारी प्रार्थना यही है कि हमारे समाज को जो 65-67 सीटें में अभी तक दी गई हैं उनका भी कुछ पुनर्विचार किया जाए, और हमारे समाज को जो उचित हिस्सेदारी जहाँ से जीत सकते थे, जैसे भिवानी क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, वहाँ से हमारे समाज को टिकट मिलनी चाहिए थी। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि 10 सितंबर को राजपूत समाज की एक बड़ी बैठक होगी जिसमें प्रदेश भर के सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। इस बैठक के बाद 25 सितंबर को एक निर्णायक बैठक होगी जिसमें समाज कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। 25 सितंबर को फैसला वो होगा जो समाज पूरा सोचेगा, और उस दिन जो भी होगा, चाहे आगाजी धमाका कह रहे थे, धमाका होगा या और भी बड़ा धमाका होगा, वो 25 सितंबर को पता लगेगा, और उसी दिन सारा फैसला हो जाएगा कि 5 अक्टूबर को क्या होगा। 10 तारीख को समाज के प्रबुद्ध लोग
हरियाणा के अंदर शकुंतला गार्डन के अंदर इकट्ठे करेंगे हम, जो कम से कम 500 से 1000 के बीच में हो, जिसमें रहे और जो भी प्रबुद्ध अपने आप को समझता है वो भी आए, हमारे कहने से नहीं, जो प्रबुद्ध समझता है वो भी आए। उस दिन दिशा दशा कुछ सामने आएगी और जब तक काफ़ी होलेगा, और उसके बाद में 25 सितंबर का जो डेट इसलिए हमने रखी है ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। अच्छा, इनेलो भी है, बसपा भी है, दूसरी पार्टियां भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, और सभी प्रकार के हम लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे। समाज का किसी भी जाति किसी भी पार्टी का है वो सारे आएँ और अपनी बात रखें, और जो समाज कहेगा कि आज हम इस स्थान पर यहाँ पहुँचे हैं, हमारी ये दशा है और ये दिशा है, दशा देख के उस दिशा तैयार की जाएगी, और उस दिन आपको हम पूरी बात बताएंगे कि हमारे समाज का एक एक वोट अब की बार बाहर नहीं जाएगा। जिस तरह से बीजेपी में आया था, अगर बीजेपी का फैसला होता है तो हम 95 नहीं 100% बीजेपी में डलवाएंगे, और अगर समाज इस स्थान पर पहुँचता है कि बीजेपी का नहीं, हम बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है, मैं भी चाहे पार्टी में रहूं तो भी अगर बीजेपी कुछ नहीं दे पाएगी तो समाज जो फैसला करेगा, क्यों पूरा समाज वहां पर बैठेगा, वही फैसला लागू होगा। अगर वह कांग्रेस का कहेगी तो फिर उस समय समाज चाहेगा, हम भी चाहेंगे कि 100% वोट कांग्रेस में जाए, तो समाज का पता लगे कि समाज जीवित है हरियाणा प्रदेश में। ठाकुर विक्रम सिंह ने राजपूत समाज की ओर से भाजपा को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जो भी विधानसभा सीट राजपूत बाहुल्य है उन सीटों पर भाजपा समाज के नेताओं को टिकट दे, वरना राजपूत समाज की नाराजगी इस बार भाजपा को बहुत भारी पड़ेगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें एकमात्र रादौर सीट राजपूत नेता श्याम सिंह राणा को टिकट दी गई है, जिसको लेकर भाजपा के ही राजपूत नेताओं में भारी रोष है। हालांकि ठाकुर विक्रम सिंह ने बाकी बची सीटों में 4 से 5 टिकट राजपूत समाज को देने की मांग की है। अब देखना होगा कि राजपूत समाज की नाराजगी का असर भाजपा पर कितना पड़ता है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।